हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुरादाबाद मुंडा पांडे के पास बनी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने के चलते ट्रेन खड़ी हुई थी, जिसके चलते महबूब नाम का व्यक्ति डीजल लेकर ट्रेन के पीछे बाइक से रुका हुआ था। तभी जैसे ही ट्रेन चालक ने अचानक ट्रेन को बैक किया तो पीछे खड़े बाइक पर बैठे मासूम बच्चे को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हादसे को देखते ही ट्रेन चालक मौके से फरार हो गया और घटना की जानकारी मृत परिजनों को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर मुंडा पांडे पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराने में जुटी हुई है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो ट्रेन चालक आरोपी है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कराकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। नाम आपका? मोहम्मद हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? मंजरा तुलारी। क्या भैया क्या घटना घटी है? तो पंप से डीजल लेने के लिए गया था, डीजल लेकर आ रहा था। तो जब हैड्रा खड़ा था तो वो पीछे को जब हैड्रा उसने स्टार्ट करा तो वो पीछे को उससे रुका ना, वापसी हो गया। जब वापसी हो गया तो पहले तो उसका स्टेयरिंग फंस गया उसमें हैड्रे में। अच्छा। वो जो चला रहा था वो उतर के गया और वो बच्चा इतना उसने संभाल ना पाया, इतना वो दब गया तो उसके सिर पर पहिया उतर गया, वो सिर और गर्दन का ही खत्म। तो भैया कितने कितने वर्ष का लड़का था? 6-7 साल का है। क्या नाम है उसका? आली नबी। अब भैया मौके पे पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, 16 नंबर खड़ी थी, जब हम पहुंचे थे तो कोई ना था, 16 नंबर वाली थे। किस तरीके से आपने बच्चे को क्रैंक के नीचे निकाला? पहिए के तल आया हुआ था, फिर हमने जाके देखा तो वो गाड़ी पहले हैड्रा पलटा वो मझार की लंगू, फिर वो उठाया 16 नंबर वाला। अच्छा, जो हैड्रे के ड्राइवर थे वो तो था ही ना, भाग गया था वो तो, तुरंत ही भाग गया। क्या चाहते हैं आप इनके खिलाफ? FI कराएंगे क्या अगर चाहते हैं, या हमें ऐसा खून चाहिए, जान लेंगे उसकी, जैसा वो करके गया बात खत्म। ओके भैया।